पीईटी विच अक्सर क्रम बनाउण वाले क्वेश्चन एमसीक्यूज आ जाते हैं। जनरली ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे हैं। किसी वेले तो डिफिकल्टी लैवल इसलिए ज़्यादा होंगे है कि जो क्रम विच लगाना है चार ऑप्शन होंगे हैं तो सौखा होएगा, जे पांच हो जाए तो औखा हो जाता है, जे छे सत्त हो जाए हैं तो होर औखा हो जाता है। दूसरा है कि किसी वेले साढ़े कोल नवे कंसैप्ट होंगे हैं, जिमें कि जो कंसैप्ट तुसी पढ़िया नहीं है। ते दूसरा है कि इन्ने कंसैप्ट ने टीईटी दे विच उन्हां सारिआं दे स्टैप्स नूं ऑर्डर नूं सीक्वेंस नूं क्रम नूं याद करना बहुत डिफिकल्ट होएगा। इहदे लई सानूं बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहीदी है और टाइम चाहीदा है। लॉजिकल ट्रिक्स दे नाल स्ट्रैटेजीज दे नाल असीं टाइम भी बचा लांगे, उल्टा एनर्जी भी बचा लांगे और रिस्पांस राइट ते जल्दी पहुंच जावांगे। दूसरा, सानू एने कंसेप्ट याद करन दी जरूरत नहीं पएगी, ज्यादा चीजा मेमोराइज करन दी जरूरत नहीं पएगी। सानू जे लॉजिकल ट्रिक्स असी सीख लिया ते मेरे अनुसार 90% क्वेश्चन दे आंसर तुसी बड़ी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये ट्रिक्स किते अवेलेबल नहीं है। पिछले सालां दे ओ क्वेश्चन जेडे क्रम विच लगाउण वाले ने उन्हां दा एनालिसिस कीता गया है, उस एनालिसिस दे बेस ते एक स्ट्रैटेजी डिवेलप कीती है। इस वीडियो विच ओ स्ट्रैटेजी तुहाडे नाल सांझी करांगा। दूजी गल है कि इस पार्ट विच सिर्फ पैडागोजी दे क्वेश्चन लए जाणगे। पैडागोजी दे क्वेश्चन मैथ्स दे भी हो सकते, सोशल साइंस दे भी हो सकते, साइंस दे भी, म्यूजिक दे, फिजिकल एजुकेशन, कोई होर भी पैडागोजी है उस दे क्वेश्चन ज्यादा फोकस किए जाएंगे। अगली वीडियो विच होर तरह के ऑर्डर ते क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन की एक एग्जाम्पल देख लीए। फॉर एग्जाम्पल ए लेटेस्ट 2023 दे जो है पेपर विच आया है। क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र के अध्यापन विच प्रोजेक्ट विधि की वरतों लई हेठ के पड़ावां नूं क्रमवार ढंग नाल करना है। मैं अगले क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं ज़्यादातर वो पहली स्टेम नहीं पढ़ांगा, टाइम बच जाएगा क्योंकि सारे क्रम वाले क्वेश्चन इहदे विच डिस्कस करने हैं। सो ये साढ़े को छे ऑप्शन ने ते इहनां नूं सही क्रम विच लगाना है। मैं ये कोई भी छे क्रम स्टैप्स आन पढ़ा आन उन्हां तुसी किस तरह लगाना है वह स्ट्रैटेजी की गल कर लगा हाँ। मैं वह स्ट्रैटेजी किस तरह डिवेलप की है, जिन्हें भी एनालिसिस किए हैं पिछले साल के पेपर उन्होंने जिंदगी दे इस प्रोसैस के बेस से डिवाइड किया है। असी इस तस्वीर विच की देख रहे हाँ कि एक नैचुरली तुसी रस पीती होएगी ते ये प्रोसेस भी देखिया होएगा। पहला स्टेप है इहदे विच कि गन्ना जो तैयार किया जाता है। अच्छा, ये पहला फेज है, मैं तीन फेज विच डिवाइड करांगा। तो उस फेज नू ऑर्डर विच लगाउण लई किस तरह वरत्या जाना है वह डिस्कस करांगा। पहला सर तुहाडे सामने है कि मतलब तुहाडे सामने गन्ना दिखाई दे रहा है, लेकिन गन्ना बीजिया जाता है, गन्ना वड्या जाता है, साफ किया जाता है, कच्चा गन्ना अलग किया जाता है। मतलब कि पहला फेज है उस दे सब स्टैप ए बी सी डी ई एफ किन्ने भी हो सकते हैं। ठीक, जो भी क्रम विच लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं तो यह सब स्टैप्स नू यूज किया जाता है, जिद करके डिफिकल्टी लैवल बढ़ जाता है। हुण दूसरा है प्रोसैस। पहला भाग हो गया, मैं उसनू इनपुट भी कह सकता हाँ, उसनू पहला भाग भी कह सकता हाँ, होर नाम जिहड़े हो सकते हैं वह भी कर सकते हैं। असी इसनू ए बी सी अगे जाके नाम दे लैने हैं। अच्छा, दूसरा भाग हो गया ये प्रोसैस जिहड़ी चल रही है। प्रोसैस दे विच गन्ने नू जिवें धक्किया जाता है, किन्नी प्रैशर पाना है, इंजन का किन्ना ख्याल रखना है, रस दे निकलन का इंतजाम करना है, इस तरह ए बी सी डी ई है ना, इस दियां भी ऑप्शन हो सकदियां है। तीसरा है कि आउटपुट आ गई, तीसरा इत्थे लिख रहा हाँ, इत्थे आउटपुट आ गई है, उसनू साफ करना है, छानना है, बर्फ पानी है, नमक पाना है, होर इनग्रीडियंट्स विच पाने हैं, वो सारे स्टैप्स परोसना है, ग्लास साफ रखना है और तुसी लास्ट ते तुहानू पिलाया जाता है, तुसी कहने हो वेरी गुड, मजा आ गया भी है ना। जो तुसी कहने हो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा भी स्वाद मिला, इट मी ए प्रोसैस जो वेरी गुड लाने हाँ, यह है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन वैल्यू याद रखना, वैल्यू जजमेंट इसका याद करने का तरीका है।
अच्छा, इहदा मतलब है कि तीजे फेज विच भी ए बी सी डी ई एफ किन्ने सब स्टेप हो सकते हैं। हुण की हुंदा है, चंगी तरह समझ लो कि जो भी किसी चीज़ नू क्रम विच लगाउण दा पाया जांदा है तो औखा तुहाडे नाल किद्दां बणदा है। हो सकता है कि तुहाडा एग्जामिनर पहले फेज चो ए स्टेप चक लवे, बी सी चक लवे, एफ चक लवे और इधरों दूजे चो बी ते डी चक लवे, इधरों एक चक लवे। ज्यादा डिफिकल्टी च की हो सकता है कि हो सकता है कि वह पहले चो एक दो तीन चार चक लवे, इधरों एक ही चके, ए वाली प्रोसैस का पार्ट कोई पावे ना। यह भी हो सकता है कि मिड चो शुरू करके एंड तक पहुंचे, पर यह हर हालत विच जरूर होएगा। जिहड़ी पहली फेज है, मैनूं कोई अजिहा क्वेश्चन नहीं मिलिया, इस नूं समझ लो, यह सेंट्रल आइडिया है। पहली फेज है और लास्ट फेज है, इना नू इना चो एक फेज हर हालत विच यूज हुंदी ही हुंदी है। सो इसे नू ही नुकता अगे जाके बनाया है। अच्छा, हुण तुहाडा काम आसान किद्दां करना है, कोशिश मैं जिहड़ी कीती है ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਮਧਲੀ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੰਤਲੀ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਕਈ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਰ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਸੋਰੀ ਇਹ ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੀ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਔਰ ਪੋਸਟ ਐਕਟਿਵ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਰਮਲੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸ ਜਾਂ ਲੌਜਿਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਲਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ, ਇਨਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੋਸਟ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ, ਜਾਂ ਏ ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਮਿਡ ਐਂਡ ਐਂਡ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਲਈ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿਡ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਐਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਟਾਰਟ ਮਿਡ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਐਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਹਨ ਸਮਾਨ ਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸੰਦਰਭ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੋਰਮਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਜੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਗੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਪਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਟੀਚਾ ਹੈ ਨਾ,
अच्छा, इस तो वक्रे रिसर्च डाटा कलेक्शन नाल प्रोजेक्ट इस तरह के ते प्रोसीजर आंदा आ, तो नैचुरली उहदे विच हाइपोथेसिस वर्गियां टर्म यूज होणगियां। जे फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस है तो फिर वह पहली फेज च है, जे वह टैसटिंग हाइपोथेसिस है वह लास्ट से होएगा। सिर्फ हाइपोथेसिस नूं याद नहीं रखना, इतने टैसटिंग हाइपोथेसिस होएगा। इदां दे क्वेश्चन रिसर्च विच ज्यादा आते हैं, साढ़े घट आते हैं। हुण इह जिहड़ियां इनपुट है इस नूं असी ये वर्ड तुसी याद रखने हैं, तुहाडा काम इन्ना होना है। जदों ही तुसी ऑर्डर देखते हो, क्वेश्चन आता है ऑर्डर देखना है, तुसी ये देखना कि स्टार्टिंग फेज विच इन्हां चों किहड़े हो सकते हैं। ये पॉसीबल है कि इन्हां विचों सिर्फ एक शब्द ही मिले, ये पॉसीबल है दो ही मिले। जे दो मिल जाते हैं तो पहला किनू रखना है, बाद विच किनू रखना है। फॉर एग्जाम्पल जे ऑब्जेक्टिव्स है तां नॉर्मली वह पहला आएगा, पर जे ऑब्जेक्टिव तो पहला प्रॉब्लम आ गई है जां प्लैनिंग शब्द आ गया है तां प्रॉब्लम पक्का पहले आएगी, और प्लैनिंग कई बार पहला आ जाती है क्योंकि प्लैनिंग शब्द कई बार कन्फ्यूज करता है, कई बार प्लैनिंग एक्टिविटी है वह इधर आ जाता है। सो नॉर्मली इसनों इस ऑर्डर विच देखना है तुसी, एक दो तीन चार ये ज्यादा रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल लैके चलते हैं, मान लो एक क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्टिव है, नैचुरली तुसी प्रॉब्लम नंबर वन रखोगे, ऑब्जेक्टिव नंबर दो ते रखोगे। दूसरे विच आउटलाइनिंग ते ऑब्जेक्टिव्स है, कोशिश करोगे आउटलाइनिंग नू पहला रखोगे, ऑब्जेक्टिव नू बाद रखोगे, पर लॉजिक नाल अप्लाई करोगे किसी वेले ऑब्जेक्टिव इधर ते इधर एनी चेंज हो सकती है। दूसरा मिड वाली टर्म, मिड वाली टर्म विच एग्जीक्यूशन सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है जो प्लानिंग की सी उसनों अप्लाई करना, उसनों लागू करना, एडमिनिस्टर करना। देखो इंग्लिश विच बैटर है, तुसी पंजाबी विच नाल बोली जाना है कर सकते हो। सो कैरी आउट करना है ना, कंडक्ट करना है ना, कैरी आउट किसनों करना, कैरी आउट प्लैन, सिर्फ यदा मतलब प्लैन देख के पहली च नहीं ले आना, तुसी कैरी आउट दे इत्थे मीनिंग ते जाना है। जे कैरी आउट है तो बाद दी एक्टिविटी आएगी, कैरी प्लान नू कैरी आउट करना मिड विच आएगा। अच्छा, जे रिसर्च नाल रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे ने ते डाटा कलेक्शन ते डाटा एनालिसिस मिड विच ही आएगा। इसी तरह असाइन वर्क ते प्लान एंड एक्टिविटी थोड़े जे कन्फ्यूजिंग है, किथे आने इत्थे आने कि इधर लास्ट ते आने, इन्नी गल। तीजी फेज विच की आएगा एंड टर्म च, एडिटिंग जे कोई इस तरह का काम कर रहे हैं। द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दो शब्द जेडे सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, या तीन शब्द, प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव्स मिड च और इवैल्यूएशन बाद विच। इसे इवैल्यूएशन की जगह पे असैसमेंट भी हो सकता है, कंक्लूजन्स भी हो सकता है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस या एंड इस तरह के शब्द हो सकते हैं। इस तो इलावा नॉर्मली जिहड़ा फंडामेंटल ईजी वे है वो तुसी देखना, इवैल्यूएशन कंक्लूजन ये वाला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसनों जरूर याद कर लो जे होर कुछ नहीं हुंदा। इधरों ये वाला ये वाले तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट ने। जे इवैल्यूएशन आया है तो नाल कुछ रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग रिफ्लैक्टिंग ये है, ये तो मतलब है इवैल्यूएशन कंक्लूजन करन तो बाद ये काम हो रहा है, रिपोर्ट राइट की जा रही है। सो इस तो भी बाद ये आ सकते, जे इवैल्यूएशन ते हुण रिकॉर्डिंग आया है तो इवैल्यूएशन पहला रख लास्ट से रखोगे रिकॉर्डिंग नू, जे कंक्लूजन ते रिपोर्ट आया है कंक्लूजन ते रिपोर्ट लास्ट से रखोगे, जे तुहाडा असैसमेंट आया है नाल रिफ्लैक्टिव जनरल जां रिपोर्टिंग आया है, असैसमेंट तो बाद रिपोर्टिंग लास्ट से आएगा। सो यह ऑर्डर आम तौर पर रहेगा। आओ हम सॉल्व करके देखते हैं कि इस टेबल नू यूज करके असी किस तरह ऑर्डर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो पहला डिफिकल्ट जिहड़ा है सब तो ज्यादा लगता उसनू लैने हाँ। फर्स्ट है ए, पढ़ चुके हाँ भी। देखो मैं हुण की करन लगा, मैं तीन चीजा स्टार्ट मिड एंड, मेरा काम जल्दी जल्दी की होएगा कि मैं इन्हां नूं आइडेंटिफाई करना हाँ। मैं शब्द लिया रिकॉर्डिंग इवैल्यूएशन, मैं आ नहीं पढ़ रहा ऑफ प्रोजेक्ट, हुण तुहानूं प्रोजेक्ट दी नॉलेज कंसैप्ट ज्यादा लर्न करन दी जरूरत नहीं है, इस स्ट्रैटेजी लर्न करके तुसीं कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है उसनूं सॉल्व कर सकते हैं। उहदे लई सब तो पहला मैं जिहड़ी स्टेटमेंट्स दित्तियां ने स्टैप्स दित्ते उहदे मेन वर्ड अंडरलाइन कर रहे हैं। पहला स्टैप प्लैनिंग है जी, चूजिंग एंड परपजिंग परपज आ गया, ओके प्रोवाइडिंग सिचुएशन आ गया, एग्जीक्यूशन आ गया। हुण मेरी जिहड़ी वो स्ट्रैटेजी सी मैनूं याद है, एग्जीक्यूशन जल्दी जल्दी ये मिड च आ रहा है और रिकॉर्डिंग एंड च आ रहा है,
एंड वाले फेज विच, इवैल्यूएशन एंड वाले फेज च आ रहा है और प्लानिंग 100% है स्टार्टिंग च आ रहा है। मैं इतने कंफ्यूजन ना हुआ तो इसलिए इधर लिख रहा हूं, और पर्पजिंग भी स्टार्टिंग च आ रहा है, प्रोवाइडिंग सिचुएशन भी स्टार्टिंग च आ रहा है। पिछे करके आए हाँ सिचुएशन नू मैं प्रॉब्लम, जे दोबारा देखना है देख सकते हैं वो टेबल नाल नाल, प्रॉब्लम है कॉन्टेक्स्ट है सिचुएशन है, इधर होर समानार्थी भी आ सकता है। सो इस तो सानू क्लियर है कि जे तो तुहानू याद हो गए ने, क्योंकि मैं तो आप बनाया इसलिए मैनू याद होए ने, तुसी जदों याद कर लोगे एक्सरसाइज अगे जाके क्वेश्चन करदे हां फिर तुहाडे लई आसान हो जाएगा। वापस चलते हैं फिर उत्थे, हुण इन्हां दे विच्चों मैं ये देखना है कि ये तीन मैनू तंग कर रहे हैं, और जे मिड विच एम है इस तरह देख सकते हैं, मेरी स्ट्रैटेजी का रूल नंबर अगला तीजा जिहड़ा भी रूल है वह है एक्सट्रीम नू यूज करना, एक्सट्रीम नू यूज करना है। एक्सट्रीम मीन फेज स्टार्टिंग है, मिडल है, एंड है, कोशिश करनी है एंड ते स्टार्टिंग वाले शब्दों नू ज्यादा यूज करना है, तुसी जल्दी पहुंचो। लेकिन इतने एग्जीक्यूशन मोस्ट मिड वाला है, मैनू वो भी क्लियर है। हुण है कि रिकॉर्डिंग ते इवैल्यूएशन है, तो मैं पिछे अपने टेबल च करके आया हाँ, इवैल्यूएशन तो बाद रिकॉर्डिंग हुंदी है, इहदा मतलब दो ते एक, मैं देखिया दो ते एक कित्थे आउंदा है, दो ते एक लब्बांगा, दो ते एक लास्ट फेज ते, एंड फेज ते, लास्ट ते जाके दो ते एक आंदा है, दो ते एक इत्थे भी आंदा है, इत्थे भी आंदा है, इत्थे भी आंदा है, इत्थे भी आंदा है, दो ते एक इत्थे भी आंदा है, इत्थे भी आंदा है, तीन ऑप्शन राइट है, तीजे ते नहीं आ रहा, डिलीट हो गया। ओके फिर देखदा हाँ, मेरा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कई बार पहले दो नाल ही आंसर राइट मिल जाता है, मैं देखने लगा हाँ, इसनू मैं रब कर देना हाँ, ये डिलीट होया है, इस बारे में कोई विचार नहीं करनी। हुण मैं देखना है कि प्लानिंग परपजिंग ते सिचुएशन, ये मैनू पता है सिचुएशन मैं अगे किया है कि सिचुएशन पहले नंबर ते आंदा है, ते पंजवां इत्थे स्टेप पहले नंबर ते आना चाहिदा है, मतलब सब तो पहला पंजवां होना चाहिदा है, पंजवां इत्थे नहीं है रिजेक्ट हो गया, पंजवां इत्थे नहीं है रिजेक्ट हो गया, पंजवां इत्थे है सिलेक्ट हो गया, एने नाल तुहाडा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। पर फिर भी मैं श्योर करांगा कि दूसरे नंबर ते एक्सरसाइज भी करनी है, सिचुएशन सिचुएशन तो बाद ऑब्जेक्टिव या परपज आएंगे, इहदा मतलब है पांच चार और नहीं ऑब्जेक्टिव बाद च आ सकते, प्लानिंग तो पहला हाँ सी, पहला पांच और उस तो बाद तीन ते चार, पांच तीन चार राइट आंसर। जो तुसी एक्सट्रीम नू यूज करोगे ये डिफिकल्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं मुबारक दिना हाँ, बेशक SST या इस क्वेश्चन की जो की है नाल आ गई है, लेकिन सचमुच कह रहा है कि क्वेश्चन बड़े चैलेंजिंग बनाए गए हैं, ये वाले बड़े अच्छे, अज तक इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा घट ईवन CTET विच नहीं वेखण नूं मिलदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज करना है, की है सिर्फ कंसैप्ट बोलांगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। हुण कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट दे स्टेप मान लो तुहानूं नहीं पता, तो असी उस पुराने निकते नूं किस तरह यूज करांगे, देखांगे कि साडे नाल रिलेटड इस तरह करदे हां कि ओ टेबल सामने रखदे हां, अप्लाई करन विच थोड़ी जी तुहानूं सौख महसूस होएगी। साडे को ओ देखने हैं कि शब्द इस टेबल चो मेरे को केड़े है, कवरेज ऑफ द सिलेबस ऑफ कंटेंट, मैं क्वेश्चन मार्क पा लिया कि मेरे को उहदे विच नहीं है, डिसीजन अबाउट द टाइम है ना, ये नवीं चीज़ा हैं टेबल विच नहीं हैं, मतलब कि ये याद नहीं सी कीता, हुण साडे लई चैलेंज वड्डा बन जाना है। प्रैपरेशन ऑफ ब्लू प्रिंट ये साडे को है, अंडरलाइन कर लिया इतों ब्लू प्रिंट साडे को है। ऑर्गनाइज अरेंजिंग द आइटम ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ये साडे को नहीं है। हाँ ऑर्गनाइज करना अरेंज करना लिखा जा सकता है, वैसे लास्ट फेज का इतने लिखा जा सकता है ऑर्गनाइज करना। अच्छा सैटिंग ऑब्जेक्टिवस मिल गए सानू, मैं अटैक किया दी बेस्ट, मेरे को एक ब्लू प्रिंट मिलिया है, एक ऑब्जेक्टिव मिलिया है, डिसीजन अबाउट टाइप ऑफ आइटम ये मेरे को नहीं है, मेरे को सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन आई हैं, एक ब्लू प्रिंट उसनू सर्कल कर लिया, एक ऑब्जेक्टिव, तो ये मैनू पता है दोनों ही स्टार्टिंग फेज विच आते हैं, एक ब्लू प्रिंट इत्थे आ गया, एक ऑब्जेक्टिव आ गया, इट मीनस मेरी प्लैनिंग मुताबक नॉर्मली ब्लू प्रिंट या प्लैनिंग पहले आती, ऑब्जेक्टिव बाद च आते हैं। अच्छा इस 90% लैके चलो, अगे पिछे हो सकते हैं, तो हुण मेरे को ऑब्जेक्टिव तो ब्लू प्रिंट है, तो पहले मैं आई जी ऑप्शन दित्तियां हाँ उन्होंने कंपेयर करके देखांगा कि मेरा जोड़ा ट्रिक चल रहा है, कि ब्लू प्रिंट शुरू विच है नंबर तीन पहले ते है, ते नाल ही ऑब्जेक्टिव दूजे ते है, ये देखांगा क्योंकि दोनों फर्स्ट फेज चाहणगे, ये तीन ते है, ये ठीक हो सकता है ए, पर ऑब्जेक्टिव
पांच हाँ दूजे ते है बिल्कुल ठीक मेनू लगता है पहले फेज है दूसरा ए तीजा ते चौथा मतलब के ऑब्जेक्टिव ते ब्लूप्रिंट इत्थे पहली फेज नहीं आ रहे सी ऑप्शन विच इसनू डिलीट करता इत्थे विचार करन दी जरूरत नहीं है मैनू और इहदे विचों देखिया के ब्लूप्रिंट ते ऑब्जेक्टिव्स मतलब के पंजवां ते तीजा पंजवां ते तीजा इत्थे आ ही नहीं रहे मिड च है बी ऑप्शन भी डिलीट हो गया मेरे कोल अच्छा इहदे विच है पंजवां सैटिंग ऑब्जेक्टिव्स ओके ते उस तो बाद हाँ इहदे विच ओह नहीं आ रहा ब्लूप्रिंट इत्थे नहीं आ रहा सैकेंड फेज दे ठीक हुण मेरे को दो ऑप्शन बच गया ए ते डी इहदे विचों राइट आंसर हो सकता है हुण मैं रीजनिंग लगावांगा थोड़ा सोचांगा जो कंसैप्ट दिता गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट कि उहदे सीकुएंस की प्रोबेबली हो सकते हैं उहदे लई मैं की करांगा ये भी सारे तुलना के कर करके देखांगा कि यह ठीक लगता है जां यह तुलना करके देखांगा उहदे लई एक्सट्रीम यूज फिर करांगा इहदे विच लास्ट स्टैप है छेवां छेवां लास्ट है डिसीजन अबाउट टाइप ऑफ आइटम एंड क्वेश्चन ये लास्ट ते नहीं लिया जाएगा ये पहला लिया जाएगा शक हो गया कि ये गलत होएगा अच्छा एदा एक्सट्रीम देखदा हाँ एदे विच है चौथा कि ऑर्गनाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ यस ऑर्गनाइजेशन लास्ट ते है एदी प्रोबेबिलिटी ज्यादा ठीक होंदी है होर मैं चेक कर रहा हाँ उस तो अगली एक्सट्रीम देखांगा कि ए वे केदे विच है ए एदे विच ऑर्गनाइजेशन है देखियो 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 लॉजिक मिल गया इहदे विच ऑर्गनाइजेशन पहला है ते फिर आइटम नू ए डिसीजन लेना कि मैं एमसीक्यू टाइप बनानियां हन जां एसए टाइप बनानियां किन्नियां बनानियां ते किन्नियां दूसरियां बनानियां इदां नहीं होएगा पहला तुसी आइटम डिसाइड करोगे मैनू ये पता लग गया लॉजिक अपला के कि पहला मैं देखांगा कि मैं केड़ियां आइटम्स बनानियां है मैं ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट आंसर टाइप एसए टाइप ये किन्नियां किन्नियां बनानियां सिलेबस चों ये देखांगा तो फिर उस तो बाद मैं ऑर्गेनाइज करांगा इट मीनस पहला छेवां तो फिर चौथा आना चाहिए तो पहला छेवां इत्थे आ रहा है और चौथा लास्ट ते आ रहा है राइट आंसर ज्यादा ए बन रहा है हुण लगातार मैं कंपेयर करके देखांगा कि की मेरा ए ज्यादा राइट आंसर बन रहा है कि पंजवां सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स दूसरा ए कवरेज कंटेंट हाँ जी कंटेंट मैं कढ़ लिया फिर उस तो बाद मैं केड़े क्वेश्चन बनाने हन उस तो बाद मैं टाइम उन्हां दा डिसाइड कर लिया के केड़े क्वेश्चन नूं किवें इह तुहानूं बना के दस देना है इत्थे क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन ब्लूप्रिंट दा ही है फॉर एग्जाम्पल तुसीं इह ब्लूप्रिंट दा मतलब हुंदा है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल तुसीं इह लिख लिया कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 जिहड़ा कंटेंट सिलेक्ट कीता है इधर उसदे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किन्ने बनाने हन शॉर्ट आंसर किन्ने बनाने हन एसए टाइप क्वेश्चन किन्ने बनाने हन ते मान लो पहले चैप्टर चो मैं 3 ऑब्जेक्टिव टाइप है 2 शॉर्ट आंसर है 1 एसए टाइप है इहदे विच 4 ओ वाले हन शॉर्ट आंसर 1 है एसए टाइप 0 बन रहा है इहदे विचों 3 वड्डे छोटे बन रहे हैं इहदे विचों शॉर्ट आंसर मेरे कोल 1 बन रहा है इत्थे एसए टाइप 1 बन रहा है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਟੇਬਲ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਸੋ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਈਟਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਮਿੰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੋਰੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
सो बड़ी जल्दी राइट आंसर ते भी पहुंच सकते हैं। जिहड़ी पिछे एक्सरसाइज मैं करके आया हाँ वह जदों तुसी नाल लॉजिक अप्लाई करना है। ते दूसरा मैं ये दस देव जिहड़ा क्वेश्चन एक हद तो वध टाइम लैंदा है उसनू छड्डना जरूरी हुंदा है। इसलिए ए जिवें पहले आ रिजेक्ट कर दिता सी फिर आ रिजेक्ट कर दिता सी ते इस तो बाद जे लॉजिक लगाउन जागा टाइम तुहाडे कोल नहीं है। होर स्ट्रैटेजी दस रहा हाँ जे नहीं है तुसी ए ते डी चो राइट आंसर है क्योंकि असी देखिए ऑब्जेक्टिव जां ब्लूप्रिंट पहला आणगे ये पता है। ये मैं फंडामेंटल रखिया कि ऑब्जेक्टिव बहुत 90% क्वेश्चन विच ऑब्जेक्टिव शब्द मिल जाता जां इवैल्यूएशन शब्द मिल जाता उस तो पता लग जाता कि थर्ड फेज या पहली फेज ते है। सो इन्हां चो एक जल्दी चूज करके तुसी नेक्स्ट क्वेश्चन ते चले जाओ। चूज द करेक्ट सीक्वेंस इनवॉल्व इन पैडागॉजिकल एनालिसिस ऑफ कंटेंट। जे तां क्योंकि थोड़ी नॉलेज है दैट इज वाई जे नई नॉलेज है असी की करना है उस तरह आइडेंटिफाई करने हैं शब्द। सैटिंग द टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव शब्द मिल गया और कंटेंट एनालिसिस ऑफ द यूनिट नहीं। नेचुरली ये शुरू च वैसे आंदा है इन्नी नॉलेज है। सुजेस्टिंग एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन डिवाइस दो शब्द मिल गए इवेल्युएशन ई एंड ते और ए स्टार्टिंग ते। इस तो इलावा सुजेस्टिंग मैथड टेक्निक नॉर्मली ये मिड ते आंदा है। नहीं भी पता मैं एक्सट्रीम नू यूज करांगा एंड एंड स्टार्टिंग क्योंकि एंड वाली इत्थे रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग वो वालियां ऑप्शन नहीं हन इसलिए मैं एंड टर्म नू ईजीली यूज करांगा। एंड विच की है सी होना चाहिदा है। ए विच सी है ए विच सी है ए विच सी नहीं है लास्ट ते इनू डिलीट करता ए विच सी नहीं है लास्ट ते इनू डिलीट करता। मेरे को दो ऑप्शन हो गए ये टाइम है तुसी इत्थे कंसीडर करो नहीं तो दोनों विचों एक ते गैस वर्क लगा के अगे चल सकते हो। नैचुरली एदे नाल की हो गया 50% प्रोबेबिलिटी तुहाडे राइट होने की वध गई है क्योंकि मैनू ये थोड़ा पता सी कि कंटेंट एनालिसिस पहला किया जाता है जिहड़ा कंटेंट या यूनिट तुसी लिया है। सो ए बी पहला और ए बाद आएगा बी पहला ए बाद आके इसनों मैं लॉजिक या नॉलेज दी इससे प्रयोग करके राइट आंसर ए नू लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी होर टीईटी विच ले गया गया इनायत वाज टॉट फॉलोइंग स्टेप्स नॉट इन सीक्वेंस टू बी फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर। इनायत ने प्रश्न पत्र तैयार करते हुए अपने अपनाए जाने वाले हेठां लिखे कदम चुनो उसनों कदम विच करना है स्टैप्स विच लगाना है। साढ़े कोल है हुण राइटिंग असी ये देखना है कि अच्छा जे प्रैक्टिस करनी है तो इसनों छोटा करके नाल टेबल देख लें नाल आपां कंपेयर करी जावांगे। ओके मेरे कोल कोई ए मेरे टेबल जिहड़ा यूज करना है कि इसते कुछ मिलते हैं मैं देखने लगा हाँ। राइटिंग क्वेश्चन नहीं आ रहा प्रिपेयरिंग डिजाइन आ गया डिजाइन आया है एडिटिंग आ गया एडिटिंग है एडिटिंग लास्ट ते है एडिटिंग नू मैं एंड ते लिख लिया एंड और प्रिपेयरिंग द ब्लू प्रिंट इतने डिजाइन ते ब्लू प्रिंट आ गया ये स्टार्टिंग फेज है डिजाइन भी स्टार्टिंग फेज है। मेरे को तीन ऑप्शन है राइटिंग दी क्वेश्चन जिहड़े आ वो नहीं है पता। हुण एडिटिंग एंड ते है एडिटिंग एंड थर्ड है इतने थर्ड 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 राइट ऑप्शन देखो थर्ड सारे ते दिता हुआ है एडिटिंग या इवैल्यूएशन कुछ भी लास्ट वाली होंगी इन्होंने दिता है। इट मीनस एडिटिंग शब्द इतने राइट आंसर लभन लिए मेरी हैल्प नहीं कर रहा है कॉन्सटेंट है ये उड़ गया साढ़े को तीन तीन ऑप्शन बचिया। हूँ मैंने चूज करना है प्रिपेयरिंग डिजाइन पहला कि उस तो बाद ब्लू प्रिंट वैसे पिछले कर भी आए हैं ब्लू प्रिंट नैचुरली टॉबल ऑफ स्पैसीफिक बाद हों डिजाइन पहला बनता है आउटलाइन पहला होंगी प्लैनिंग पहला होंगी है। सो दो ते चार दो तो बाद चार आएगा डिजाइन तो बाद ब्लू प्रिंट आएगा दो तो बाद चार दो तो बाद चार दो तो बाद चार ए वाले च मिल रहा है दो तो बाद चार इच नहीं है दो तो बाद चार इच नहीं है दो तो तिना च नहीं है सिर्फ दूजे च मिल रहा है। सो मिल रहा है दो चार उस तो बाद एक राइटिंग द क्वेश्चन फिर उसकी एडिटिंग करनी राइट आंसर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक ए प्लान प्लान मिल गया के मैं इतने लिख लिया कि प्लान जिहड़ा है मेरे ख्याल च येलो कर लिया जाए प्लान स्टार्टिंग फेज च है स्टार्टिंग फेज वाला मिल गया। ट्राई आउट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सिचुएशन है ना आ देखो प्रॉब्लम सिचुएशन कंटेंट मिल गया नैचुरली ये टॉप ते है बड़ी एक्सट्रीम वाला मैनू मिल गया मैं कोशिश करांगा इन स्टार्टिंग फेज वाले नू दोनों नू जल्दी यूज कर ला। इवेलुएट एंड अडैप्ट एंड स्टेज एंड कैरी आउट द प्लान मिड। ओके जे नहीं है मैनू पता ते मैं इवेलुएट तीजा लास्ट ते
तीजा लास्ट है, तीजा 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 लास्ट है, पहली डिलीट हो गई। और प्रॉब्लम सिचुएशन, दो नंबर पहला आएगा, दो नंबर इतने भी पहला है, इतने भी पहला है, सी डिलीट हो गई। हुण मेरे को दो ते सॉरी बी ते डी बचा है। हुण मैं मिड च देखना है इवेलुएशन इहदे ते, कैरी आउट नैचुरली मिड च आंदा है, प्लान शुरू च आंदा है। इहदा मतलब है एक ते चार आएगा, एक ते चार डी विच है, चार ते एक इहदे च उल्टा है। डी नू मैं राइट आंसर चुन लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगा, चार ऑप्शन सी, रिलेटिवली ईजी सी, पहले काफी औखे सन। हरिस्टिक मैथड दी है, जिहड़े प्रिंसिपल है उन्हां नू ऑर्डर विच करना है। पांच है, डिफिकल्टी लेवल वध गया, टेबल सामने है। ये मेरे लिए ज्यादा ईजी है क्योंकि रिसर्च वर्क कराने हैं, तो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस रीच कंक्लूजन मैनू मिल गया एंड च, एंड ओके। होर प्रॉब्लम मिल गया स्टार्ट, स्टार्टिंग च। सो मैं देख लगा कि मैं बाकी नहीं देखे, टाइम बचाने लगा कि ये मेरा काम चल रहा है। दो लास्ट ते चार शुरू विच, दो लास्ट ते रीच कंक्लूजन, लास्ट ते दो एक जगह लास्ट ते मिलिया सी विच, ओके। चार शुरू विच इत्थे मिल गया, जे मैं टाइम लगाना लगा सकता, नहीं तो मैं राइट आंसर ला के इसनों अगे वधांगा। हुण मैं वेरीफाई जे करना है, चार तो बाद एक तीन पांच है, एक तीन पांच, ये मैनू पता है डाटा कलेक्शन तो बाद डाटा एनालाइज होगा। तीन ते पांच मैं ना देखा, तीन ते पांच और राइट आंसर वेरीफाई हो गया, डबल टिक हो गया, ठीक। सो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस है, नेचुरली है कि शुरू वाली फेज चाहता है, जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस है वो लास्ट पे आता है, इधर टेबल विच भी मिल जाएगा। टेस्टिंग हाइपोथेसिस लास्ट पे होएगा, टेस्टिंग भी याद रखना हाइपोथेसिस के नाल, और फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस है पहली फेज चाहेगा। सो टेबल ने हेल्प कर दिया नाउ दा वेरी डिफिकल्ट, पहला इसमें चंगी तरह देख लिए, फिर छोटा करके समझ लेने हैं, इसनों साइड पे कर लिए, ओके। हुन ऑप्शन साढ़े को सत्त है, इफेक्टिव लेक्चर मेथड है, ये भी देखना है कि लेक्चर मेथड है, इंटरैक्टिव लेक्चर मेथड है, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड है। ये टर्म जेडी है वो थोड़ा लॉजिक अप्लाई ते नॉलेज अप्लाई करने विच हेल्प करती है। साढ़े को ये वेरी डिफिकल्ट चाहेगा, चलो जल्ला कोशिश करते हैं। नो योर स्टूडेंट्स मेरे को नहीं है, ग्रैब द स्टूडेंट्स अटेंशन नहीं है, रिकॉग्नाइज द स्टूडेंट अटेंशन स्पैन। हुण इत्थे लॉजिक लगाना पैना कि कितों बाद की हो सकता। प्लान एन एक्टिविटी, प्लान एन एक्टिविटी याद रखना है, प्लानिंग हुण भुलेखा पाएगा, एक्टिविटी है ये, शुरू च नहीं मिड च ज्यादा जाएगा, ओके। यूज ऑडियो विजुअल एड वॉयस नेचुरली है कि ये शुरू च या अंत च। कंक्लूजन मिल गया, हैव ए कंक्लूजन लास्ट पे, हैव स्टूडेंट डू समथिंग विद द लेक्चर मटीरियल, नेचुरली है कि कंक्लूजन। लेक्चर मेथड एक वर्बल ट्रांसमिशन है, तुसी वर्ड्स सुट्टी जाने, सिग्नल सुट्टी जाने, टीचर बोली जाता बोली जाता बोली जाता, जहाँ दिखाई जाता, पीपीटी यूज करी जाता विच जिमें आया है, लास्ट से हो गया। उस तो बाद तुसी एक्टिविटी कोई दे सकते हैं, जिमें हैव स्टूडेंट्स टू डू समथिंग, विद्यार्थियों नू लेक्चर समग्री नाल कुछ करन लई कहो, विच लेक्चर चलते चलते नहीं कहांगे, लास्ट से कहांगे। सो कंक्लूजन भी एंड फेज से है, ये भी एंड फेज से है, दो मैनू हिंट मिले हैं। हाँ एक और मिल गया, हैव ए मैप टू फॉलो और लैक्चर आउटलाइन, लैक्चर की रूपरेखा का पालन करने लिए स्टार्टिंग च है, 100% स्टार्टिंग च आएगा। मैनू तीन मिलिया, एक जो मैं नहीं है पर कॉमन सेंस दसती है, प्रीवियस नॉलेज या स्टूडेंट्स की नॉलेज लैसन प्लैन च भी असं लिखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ही ज्यादा होंगी है। सो मेरे को चार हिंट मिले है वो बेस से, छेवं तो सत्तवा एंड ते कितें है, मैं ये देख लगा हाँ, ये मेरे को ऑप्शन है, छेवां ते सत्तवां लास्ट ते किते है, छेवां ते सत्तवां, ओके। इत्थे है छेवां ते सत्तवां, आ वाले बी विच है, सत्तवां ते छेवां है, इहदे विच होर किते भी छेवां ते सत्तवां नहीं है, छेवां सत्तवां आ है, तीजे विच है, एक च सत्त छे है, एक ते छे सत्त है, होर किते भी छे ते सत्त नहीं है, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, दो बचे, 50% तुहाडी प्रोबेबिलिटी वध गई कि राइट आंसर मिल जाएगा। अच्छा एडिशनल नॉलेज ये तो बिना, हाँ ये सानू ये तो पता है ना कि मैप बनाना या आउटलाइन बनानी, प्लानिंग करनी, ये शुरू विच आएगा। अठवां कितने शुरू च आना चाहिए है, और पहला ये कितने शुरू च आ रहे हैं, इन्हां दोनों विचों अठवां ते पहला, सत छे इहदे च आया सी, बी ते सी चो चुनना सी,
बी ते सी चो पहला ते अठवां, पहला ते अठवां नहीं मिलिया, एदे विच पहला अठवां, पहला अठवां है उत्थे दी उत्थे बनी हुई है, बी ते सी चो ही राइट आंसर होएगा। अच्छा हुण मैं देखदा हाँ, चंगी तरह देखियो कि एक अठ दो जेडे मिसमैच कर रहे हैं उत्ते कंसिडर करांगा, इस नूं जरा गौर नाल देख, एक अठ दो ए भी राइट आंसर हो सकता है, एक अठ दो ए ते मैं फोकस कर रहा हूं, क्योंकि एक अठ दो तीन, एक अठ दो तीन इहदा मतलब है दो तीन नूं भी कंसिडर नहीं करांगा, एक अठ दो तीन चार पांच, एक अठ दो तीन चार पांच मैनू होर किसे दी कंसिडर करन दी जरूरत नहीं है, लास्ट सत्त जां छे, छे जां सत्त सिर्फ इन्ना देखना पैना है, सत्त छे, छे जां सत्त वह मैं पहला ही कह चुका हाँ, कंकलूजन कढ़न तो बाद फिर ही बच्चे नूं मटीरियल दिता जाएगा, छे सत्त सी जा रहा है राइट आंसर, सिर्फ तीन टर्म नाल क्लीयर हो रहा है, कंकलूजन नाल एंड टर्म और स्टूडेंट नूं मटीरियल देना है एंड टर्म, और शुरू वालियां हन स्टूडेंट्स नोट जां जिहड़ा मैप बनना है आउटलाइनिंग शुरू च बननी है, उहदे नाल सिर्फ एक डिलीट हुई है। सो इस तरह मैं राइट आंसर ते पहुंच गया हाँ, जिक्सा दे स्टैप्स नूं ऑर्डर विच करना है, देखते हैं टेबल विचों कुछ मिलता है, डिवाइड योर कंटेंट अपनी समग्री नूं हिस्सों विच वंडना है, विद्यार्थियों के प्रति समूह चार तो छे विच, अच्छा इहदे विच तुहानूं नॉलेज मिलती है कि नॉर्मली जिगसा की कहिंदा है कि चार तो छे चंक, चार तो छे जिहड़ा है बच्चों का ग्रुप होना चाहिए है। चलो अगे चलते हाँ, असाइन मिड च दिखाई दे रहा है, असैस लास्ट एंड टर्म, ओके हैव ए स्टूडेंट टू मीट एक्सपर्ट ग्रुप, मैनू नहीं पता, स्टूडेंट रिटर्न टू, रिटर्न शब्द लॉजिकली गाइड कर रहा मैनू कि कोई शख्स है, एक बच्चा है वो इस ग्रुप विच पहला जाएगा फिर वापस आएगा है ना, जिगसा ग्रुप दे पहला मिलेगा, मीटिंग पहला होएगी और फिर वो रिटर्न होएगा, इहदा मतलब है पांच तो बाद ही छे आएगा ये दिखाई दे रहा है, और चार लगभग लास्ट आएगा, पांच तो बाद छे, पांच तो बाद छे किहदे च आंदा है, एक आ रहा डी च, ओके एक पांच तो बाद छे आ रहा बी च, चार लास्ट ते असैस है, चार इत्थे भी लास्ट ते असैस है, इट मीनस ये लॉजिक ये एंड टर्म गाइड कर गई हैं, ये दो डिलीट हो गई हैं ए और सी, हुण मैं फोकस किते करांगा बी ते और डी ते, जे तुहाडे कोल टाइम है तुसी अगे लॉजिक अपलाई नॉलेज अपलाई करो, अदरवाइज इन्हां दोनों चो एक चूज करके अगे वधो, उहदे लई की देखना है कि सेम सेम कुछ हल तो नहीं रहा, इन्हां दोनों विच सेम की है टू टू, अगे दो आ रहा है, ठीक है अगला जिहड़ा है एक तीन है, यह तीन एक है, हुण तीन एक मैनूं तीन एक चो पहला केड़ा आना है वह देखना है, सिर्फ मैं बाकी स्टैप नहीं देख रहा, तीन एक चो पहला केड़ा आना है, तीन एक पहला डिवाइड योर कंटेंट है, पहला समग्री नूं हिस्सों विच वंडूंगा, फिर असाइन करांगा, की लिखिया है तीजे च जिगसा समूह विच हरेक व्यक्ति नूं समग्री का एक हिस्सा निर्धारित करो, है ना, नैचुरली है असाइनमेंट, पहला डिवीजन होएगी लॉजिक है, पहला मैं बच्चों की ज ग्रुप की कंटेंट की वंड करूंगा फिर असाइन करांगा, इट मीनस तो बाद ही तीन आएगा, इन्हां दे उन्हां दे विच्चों बी ते सी विच्चों एक तो बाद तीन किहदे च आ रहा है, इहदे विच तीन पहला आ रहा एक बाद च आ रहा, यह गलत हो गया मेरे मुताबक, और एक पहला आ रहा तीन बाद च आ रहा, एक पहला आ रहा कि कंटेंट डिवाइड करूंगा फिर मैं असाइन करांगा, सो बी मैनू राइट आंसर 100% श्योर मिल गया है। सो ये टेबल सानू बेसिकली 80-90% गाइड कर रहा है, एक्सट्रीम नू यूज इनू ते इनू यूज करो ज्यादातर, बाकी नॉलेज ते लॉजिक लगाना पैना है। टेबल नू यूज करते हुए एक दो गल्लां दा ख्याल रखना चाहिए है कि किते फ्लैक्सीबिलिटी है कि जिवें साडे होया सी कि ब्लू ऑब्जेक्टिव ब्लू प्रिंट बाद विच सी है ना, सिर्फ वो अचीवमेंट टेस्ट विच सी, ले ऑब्जेक्टिव उहदे विच पहला सी, सो एनी फ्लैक्सीबिलिटी पॉसीबल है। दूसरा है कि एक्सट्रीम नू ज्यादा यूज करना है तुसी इस कॉलम नू ते इस कॉलम नू ज्यादा यूज करो, टाइम ते एनर्जी बचेगी राइट आंसर तक पहुंचने लई। तीसरा जो लोंग फ्रेज जिहड़ी ऑप्शन आई है बहुत ज्यादा शब्द ने उहदे विच ते उत्थे
ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਈਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਟੈਮ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਰਨ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਯੋਜਨਾ, ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਡਰਾਫਟ, ਡਰਾਇੰਗ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਟੀਚੇ, ਉਦੇਸ਼, 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 ਇੱਥੇ ਪਰਪਜ਼ ਤੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਤੋਂ ਸੰਪਾਦਨ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣੇ, ਸਿੱਟੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਣ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਜੋ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜਰਨਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।